अच्छा से चलेगा। और शिक्षा जरूरी है हमारे देश के लिए, बिहार के लिए, हम सब के लिए। किसान भाई हैं चाहे जो हमारे गरीब हैं, वो इतना मोटी रकम देने में असमर्थ है। सिंपल सा एड्रेस दिया गया, पेरेंट्स इजी में आसान तरीका से कम पैसों में उसको अपना बच्चों के लिए सिलवा सकते हैं। किताब बहुत अच्छा लगा, सब चीज़ बहुत अच्छा है, कैंपस पर सब बहुत अच्छा है। कैसा लगा प्रोग्राम में आई थी आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत यहाँ का सब प्रोग्राम सब अच्छा है। एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा प्रोग्रेस होता है बच्चे का। अभिभावक लोग आए हैं, हम लोग भी आए हैं, उत्साह है कि यहाँ के बच्चों को अब जो है शिक्षा मिलेगा, और देख करके दिल भी खुश हुआ है। हाँ। और एरिया का अब हमारा आगे बढ़ेगा। देखिए, सिकरहना पब्लिक स्कूल का इनॉग्रेशन हो गया, शुभ उद्घाटन हो गया, शुभारंभ हो गया, और यहाँ से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतरीन पहल है। यहाँ से एजुकेशन शुरू की जा रही है। इस मौके पर देख सकते हैं शिवहर के पूर्व विधायक सरफदीर साहब मौजूद हैं, आए हैं यहाँ पर, हौसला बढ़ा रहे हैं। जिनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं डॉक्टर अली अख्तर उदगुड्डी जी, के बाद इनसे करेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा लगा, क्या देख रहे हैं, क्या संदेश रहेगा। इन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत किया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बेहतरीन पहल है। पहले तो आपका शुक्रिया, यहाँ कुछ नहीं था, उससे पहले हम आए थे और गुड्डू जी हमसे मशवरा लिए थे। हम कहा भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, तो कहे से भैया हो जाएगा। तो ये लाख लाख शुक्रिया जो भाई गुड्डू साहब ने आज जो इमारत खड़ा करके 5 एकड़ में, और शिक्षा का जो क्षेत्र में बढ़ावा दिया है, ये बहुत अच्छा बात है। और आए तो हमको बहुत अच्छा लगा से जो ये कहा था गुड्डू साहब, वो पूरा करके बताया। और शिक्षा जरूरी है, माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के पीछे, पहले स्कूल में साइकिल राशि, पोशाक राशि या जो भी राशि हो नहीं दिया जाता, हौसला अफजाई के लिए वो सारा काम किए। और जिस जगह पर ये सिकरहना पब्लिक स्कूल शुरू किए हैं, इंशाल्लाह इनको कामयाबी मिलेगा और बहुत अच्छा से चलेगा। और शिक्षा जरूरी है हमारे देश के लिए, बिहार के लिए, हम सब के लिए। डॉक्टर अली अख्तर हैं उर्फ गुड्डू, इन्होंने बेहतरीन शुरुआत की। सभी अतिथिगण आए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, सभी लोग आकर के इनको हौसला बढ़ा रहे हैं। गुड्डू जी, लोग आकर के मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने वो काम किया है जो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। सबसे पहले मैं एसटीवी के माध्यम से आपके जितने दर्शक लोग हैं, जितने लोग आज हमारे बुलावे पर हमारे उद्घाटन कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारा तो एक्सपीरियंस मेडिकल में 20 साल का रहा है, और ये शिक्षा के क्षेत्र में हमने कदम बढ़ाया है। हमने अपने क्षेत्रों के जहाँ जहाँ स्कूल थे, वहाँ जा जाकर मैं विजिट करता था, वहाँ देखता था कि किस माहौल में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। बच्चा का शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा था, बच्चों को स्कूल में ले जाकर कहीं खेल कूद का उस तरह माहौल नहीं मिल पा रहा था कि जो हमारे बच्चे का विकास हो। सिर्फ बच्चा को पढ़ाई देना ही बेहतर नहीं है, बच्चा को स्वास्थ्य शिक्षा तीनों फैकल्टी में देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने इस चीज़ को चुना। उसके अलावा जो है, जैसे मान लिया मिडिल क्लास के बच्चों को, चाहे गरीब तबके के बच्चों का जो है एडमिशन बढ़िया बढ़िया स्कूल में नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत मोटी रकम ली जाती है फी एडमिशन के नाम पर। जो हमारे किसान भाई हैं चाहे जो हमारे गरीब हैं, वो उतना मोटी रकम देने में असमर्थ है। तो वैसे लोगों को हमारे स्कूल में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं आपके एसटीवी के माध्यम से, कि हमारे यहाँ 1 रुपया एडमिशन का नहीं लिया जा रहा है, और भी जो चार्जेस लिए जाते हैं कोई भी किसी भी प्रकार का मैंने चार्ज नहीं लिया जाएगा। जहाँ तक ड्रेस के नाम पर बहुत ज़्यादा मैंने लूट खसोट किया जा रहा था, हमारे यहाँ कोई भी ड्रेस का ही नहीं है। हमारे यहाँ सिंपल सा ड्रेस दिया गया, पेरेंट्स इजी में आसान तरीक़े से कम पैसों में उसको अपना बच्चों के लिए सिलवा सकते हैं। किताब का भी बहुत बहुत रेट लेकर के जो है किताब का दाम लिया जाता था, उस पर भी हमने एक अलग से मैंने उस पर ही किया स्टडी किया है। बहुत कम पैसे में अच्छा किताब हमने देने का काम किया है, और आने वाला समय में हमारा लक्ष्य 10+2 देने का यहाँ पर रखा गया। सिकरहना पब्लिक स्कूल में हम हैं, और यहाँ पर आज इनॉग्रेशन प्रोग्राम है। कुछ महिलाएं भी आई हैं जो अतिथि के तौर पर थी, पार्टिसिपेट किए हैं इस प्रोग्राम में। इनसे हम बात करेंगे कि कैसा लगा यहाँ का उद्घाटन समारोह। मैम, नाम बताइए पहले। प्रीति श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी कहाँ से हैं? ढाका से हैं। यहाँ प्रोग्राम में आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सब चीज़ बहुत अच्छा है, कैंपस पर सब बहुत अच्छा है। कृति श्रीवास्तव। कैसा लगा प्रोग्राम में आई थी आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत यहाँ का सब
नाम बता दीजिए। अमित श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी कैसा लगा यहाँ? 5 एकड़ का फैला यहाँ पर विस्तृत मैदान है। वैसे ग्राउंड बढ़िया है, अच्छा है, देखने में व्यवस्था भी बढ़िया लग रहा है। देखते हैं आगे, अब एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा प्रोग्रेस होता है बच्चे के। लुनफारवा पंचायत के पूर्व मुखिया ध्रुव लाल मांझी पहुंचे हुए हैं इनॉग्रेशन प्रोग्राम में, उद्घाटन समारोह में आए हैं और उद्घाटन का मान सम्मान बढ़ाने पहुंचे हुए हैं। बात करेंगे जय मुखिया जी, यहाँ इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आए, उद्घाटन प्रोग्राम में आए हैं, कैसा लगा करके? बहुत अच्छा लगा। यह जो स्कूल जो है बहुत सुदूर देहात में खुला है और गुड्डू जी द्वारा जो स्कूल के संचालित किया गया है, बहुत ही जो है कि खुशी है और सभी अभिभावक लोग आए हैं, हम लोग भी आए हैं, उत्साह है कि यहाँ के बच्चों को अब जो है शिक्षा मिलेगा और उज्जवल भविष्य बनेगा। सुदूर क्षेत्र में गांव के इलाके में सिकराहना पब्लिक स्कूल की शुरुआत हुई है, यहाँ से सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है लोग। बड़ा शंकर महमदपुर के देखिए मुखिया जी पहुँचे, शेर मोहम्मद आप भी उद्घाटन समारोह में आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और देख करके दिल भी खुश हुआ है और एरिया का अब हमारा आगे बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है कि बहुत आगे बढ़ेगा। शिक्षक लोग भी यहाँ बहुत अच्छे लाए हुए हैं, इसलिए इस स्कूल अभी हमारे अनुमंडल में सबसे एक नंबर में आ रहा है।